Now class, I started exercise 4.10.3, and this question based on dot product, that is a dot b is equal to cos a b cos theta. ठीक है, तो इस पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दो फॉर्मूले क्लास यहाँ पर यूज होंगे. पहला होगा आपका a dot b, a वेक्टर dot b वेक्टर is equal to a b cos theta, एक क्लास का यूज करेंगे और एनी वे हम उसको यूज कर सकते हैं. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री. ये दो चीजें क्लास यहाँ पर, ठीक है, आप उसको नोट ले लीजिएगा, माइंड में रखिएगा. और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ए वेक्टर का आपको गिवन है मैग्नीट्यूड, वो है रूट थ्री. बी मैग्नीट्यूड बी इज टू, ए डॉट बी इज रूट सिक्स. We have to find the angle between the vector A and B. आपको angle find करना है. Simple, आप first formula आप use करेंगे. A dot B is equal to AB cos theta. Cos theta is A vector dot B vector upon AB. A mod and B magnitude. Plus A dot B की वैल्यू root 6 है. यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट सिक्स, ए इज टू और बी आपका रूट थ्री है. ठीक है, याद करेगा रूट टू अपॉन टू मीन्स वन अपॉन रूट टू, इट इज कॉस थीटा. ओके, यहाँ पर ये वन अपॉन रूट टू कॉस पाई बाय फोर भी होता है, तो आपका जो एंगल आ जाएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर. इस आंसर का नो डाउट. Class, now see the next question. It is the question of to finding the projection of vector A on B. ठीक है, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको रिकॉल करा दूं. फॉर्मूला क्लास क्या था, अगर आप फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, A वेक्टर डॉट B क्या है. ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे. हमको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I plus 3J plus 7K, ये A हो गया. ठीक है, तो यहां पर हमारा एक वैल्यू क्या होगा, द A इज I plus 3J plus 7K on B. B क्या है क्लास, जो नेक्स्ट फैक्टर होगा B होगा 7I minus J plus 8K. ठीक है, क्लास हम इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे. A वेक्टर डॉट B, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी वेक्टर की वैल्यू होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी. तो हमको फाइंड करना है ए डॉट बी अपॉन बी मॉड. यहां पर क्लास इसको आप नोट कर लेंगे. इसके बाद नाउ फाइंड ए डॉट बी. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वन बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री, इट इज ए थ्री एंड बी थ्री. यहां पर दो वेक्टर है, इट इज ए एंड इट इज बी. वन इंटू सेवन सेवन, थ्री इंटू वन माइनस थ्री एंड सेवन एट इज फिफ्टी सिक्स. 56 प्लस 7 63, 63 माइनस 3 इट इज 60. ये आपका आ गया ए डॉट बी और आपको निकालना है बी मैग्नीट्यूड. तो क्लास बी आपका ये है, आपका होगा रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का स्क्वायर 64. 50 एंड 50 प्लस 64 दैट इज 114. आंसर आ गया रूट 114. ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप यहां पर प्लेस करेंगे, ये आपका प्रोजेक्शन आपको मिलेगा. सो क्लास फाइन आई जस्ट राइट ऑन दिस वन, 60 अपॉन रूट 164. तो क्लास यहां पर वैल्यू आ जाएगा, आप लिखिए ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इट इज 60 एंड इट इज 114. ठीक है, 114 को आप फैक्टराइज कर लेते हैं. अगर कोई प्राइम अगर कोई आपको नंबर मिल रहा है तो आप उसको पास कर सकते हैं.
फाइव एंड फिफ्टी सेवन प्लस मिल जाएगा, उसको फैक्टर नहीं मिलेगा 57, ठीक है। तो क्लास ये हमारा थ्री से हो जाएगा, थ्री वन एंड टू थ्री नाइन, अभी भी मिलेगा 19, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर 60/√11, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लास द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, हमको यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स एक फैक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर गिवन ये है एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एल, आपको गिवन है, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको एक बात लर्न कर लेना है, वो ये है कि अगर आप किसी वेक्टर का आप उसकी स्क्वायरिंग कर रहे हो और अगर आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें देन बोथ आर इक्वल थिंग, ठीक है। तो वेक्टर का स्क्वायर या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ये आपको लर्न कर लेना है। और जब आप थोड़ा सा आप इसको लिंक कर रहे होंगे फंक्शन से, फंक्शन थ्योरी से, ठीक है, कि अगर आप एक्स स्क्वायर जो है और एक्स स्क्वायर होता है और मॉड दोनों की वैल्यू आपकी सेम आती है, वहां से आप उसको मैच कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको लर्न कर लेना है कि बहुत जगह पर इस बात को हम लोग यूज करेंगे बात, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको ये आप अंडरस्टैंड करके होंगे हमारी इस बात से, क्या करना है एक्स माइनस के सब वेक्टर है क्लास, कोई आपका कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस ए वेक्टर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12, आपने ए प्लस के माइनस ले रहा है। ए क्या है, गिवन ये है कि ए आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। If A is a unit vector, so mod of A is 1. आप इसमें जब निकालेंगे magnitude, तो वो 1 आएगा। अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे? X vector उसका magnitude, ठीक है? Of square ये इसके equal हो गया और ये equal हो जाएगा A magnitude of square is equal to 12. आपको इसको find out करना है। इसलिए हो जाएगा 1 का square is 12. क्वेश्चन नंबर 11 में क्लास आपको यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है, इस दो वेक्टर को आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन थी डॉट प्रोडक्ट में क्लास को ये थी कि अगर आप ए डॉट बी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिलना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका ये मीनिंग है कि जो ए वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, हमको यहाँ पर दो वेक्टर क्लास गिवन है। तो अब इस दो वेक्टर में क्या है, पहले आप एक ले लीजिए और एक ले लीजिए, ठीक। तो आपको फर्स्ट ये है कि ए मॉड बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी, ठीक है, एक ये वेक्टर हो गया या कोई वेक्टर। दूसरा किससे परपेंडिकुलर है, आप उसको लेते हैं ब्रैकेट में डॉट, एक और ब्रैकेट, नेक्स्ट आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर से देखिए सॉल्यूशन यहां पर आपको मिल रहा है फर्स्ट ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी डॉट, नेक्स्ट आपका है ए बी एंड ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। हम इसे क्या लिया है, अगर हम इसको इक्वल टू जीरो प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर जो है, ये एक वेक्टर है ब्रैकेट दो ब्रैकेट में एक इटसेल्फ एक वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप देखिए फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आपका आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ऑफ होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी ऑफ होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू जीरो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट है हमें तो प्रूफ करना है कि इक्वल टू जीरो। यहां पर हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस
a वेक्टर ऑफ स्क्वायर एंड b मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि x वेक्टर का स्क्वायर होता है x मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इस वाले फॉर्मूले को आप यहां पर यूज करिए और जहां पर a वेक्टर और b वेक्टर दिया है उसको आप लिख लीजिए a मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर b मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड b ऑलरेडी गिवन। ठीक है, दोनों वैल्यू स्क्वायर इक्वल हो गई, कैंसिल हो गया, आपका जीरो आ जाएगा और जीरो आपका आ गया। मीनिंग इज दैट ये जो आपका एक्सेलरेटिंग वेक्टर है ये इस वेक्टर के आगे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, बस फर्क प्रूफ होगी। सोल्व नाउ क्लास, ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन ये है, आपको थ्री वेक्टर गिवन है ए बी सी, थ्री वेक्टर दे आर द यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तीनों वेक्टर का जो समेशन है वो आपका आ रहा है जीरो वेक्टर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी इसकी हमको इसको एक फॉर्मूला यहाँ पर प्लेस होगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी फुल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम पहले यहाँ पर a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की हम लोग कुछ इस तरह की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हमारी वर्किंग क्या क्या ध्यान दीजिए, हमें गिवन ये है, द गिवन पार्ट इज दैट द क्वेश्चन is a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, ये गिवन है। अब अगर आप इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे, a हम डॉट कर रहे हैं अगर, तो क्या मिलेगा आपको, इसका सम तो 0, ये इसका सम 0 है, तो 0 into something 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा फिर आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a क्या होगा, a और a आपका हो जाएगा और a और b होगा देन a और c होगा आपका। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आपको मिल गया a वेक्टर का होल स्क्वायर, आपको मिलेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर एंड a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब सर इससे आपके क्या मिलेंगे, अब देखिए a डॉट b है, अब यहां पर दो वेक्टर का स्क्वायरिंग क्या होगा, ये a मॉड के x किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। और ये भी गिवन है कि ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर, ए बी सी क्या है, दे आर द यूनिट वेक्टर, तो दूसरी समीकरण गिवन होगी। हम इस तरह से यहां पर लिख देते हैं एज वी नो एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और वो आएगा 1। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इसका जो वैल्यू है डिस्टेंस है जो उसकी लेंथ है लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ वेक्टर उस वेक्टर की लेंथ, तो लेंथ दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो ये बन रहा है। ठीक है, देखिए क्लास एक चीज मैं और लिख देता हूं, या तो यहीं पर स्क्वायरिंग करते क्लास इसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर लें या हम उसको डिफरेंट वे में लिख लें, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो स्क्वायरिंग कर दिया जितने भी वेक्टर हैं इनके स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ गई, तो यहाँ पर ए वेक्टर का उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये हो गया 1। तो 1 प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट सी a dot c is equal to 0, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब ऐसे ही हम इसमें b मल्टीप्लाई करेंगे, तो b मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ab और bc, फिर आपको b स्क्वायर मिलेगा, तो उस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, उस वाली इक्वेशन से आपको मिलेगा 1 प्लस a dot b वहां मिलेगा, फिर आपको b और dot c मिलेगा is equal to 0। ये जब आप b मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें a plus b plus c में, तो आपको ये मिलेगा। जब आप c मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिलेगा c इंटू ए c इंटू बी और c इंटू सी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली इक्वेशन आपको फिर आपको 1 प्लस ए सी मिलेगा फर्स्ट, और फिर c इंटू सी
वन हो जाएगा, वन वन लिख दिया, फिर आपको मिलेगा सी इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब क्लास हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ये आपको हो गया थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ, देखिए जो आपका ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर होते हैं वो होते हैं कम्यूटेटिव, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। तो ए डॉट बी, देखिए ये आपको दो मिल रहे हैं, ए डॉट बी डॉट बी, ये टू हो गया, ए डॉट सी मिला, ए डॉट सी डी टू हो गया, और बी ऑफ सी डी टू हो गया, तो आपने टू कॉमन ले लिया और क्लास की वैल्यू आ गया b डॉट c और c डॉट a, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ट्रांसपोज करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू हो गया माइनस थ्री बाई टू। अच्छा मैंने बोला था इसमें फॉर्मूला यूज करना है, अब अगर आप इसमें a प्लस b प्लस c अगर आप इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करने तब अगर आप वैल्यू प्लेस करेंगे तब भी आपका आंसर इसमें आ जाएगा, तभी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। प्लस ये भी ठीक है और वो भी करेक्ट, दो वेज है इसके, एक बात वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर माइनस थ्री बाई टू।